आईपीएल 2023 में आज 24 अप्रैल को 34वां मुकाबला खेला जाएगा। आज का मुकाबला पॉइंट टेबल में 10वें स्थान का बीच दिल्ली कैपिटल की टीम और पॉइंट टेबल में 9वें स्थान का बीच सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आज का यह मुकाबला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में दोनों ही टीम के नाम कुछ बड़े रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए आज जब हैदराबाद की टीम दिल्ली कैपिटल के सामने उतरेगी तो दोनों के बीच मुकाबला देखने लायक होगा। इसलिए दोनों ही टीम का इस मैदान में क्या रिकॉर्ड है, इसकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। 2019 में इसी ग्राउंड में सनराइजर हैदराबाद की टीम आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खा गया था, जो आईपीएल के इतिहास में सनराइजर हैदराबाद का सर्वोच्च स्कोर है। वहीं दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर के नाम इस ग्राउंड में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 2017 के आईपीएल में डेविड वार्नर कोलकाता के खिलाफ खेलते हुए इसी ग्राउंड में 59 गेंद पर 126 रन की पारी खेली थी, जो डेविड वार्नर का आईपीएल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इसलिए दिल्ली कैपिटल की टीम आज जब डेविड वार्नर की अगुवाई में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ इस मैदान पर उतरेगी तो दिल्ली कैपिटल का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। अगर हम दोनों टीम के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम के बीच आईपीएल के इतिहास में कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल को 10 में जीत मिली है और सनराइजर हैदराबाद को 11 में जीत मिली है। तो ये रिकॉर्ड दोनों की लगभग बराबरी की कहानी कहते हैं। इसलिए आज दिल्ली कैपिटल की टीम इस आईपीएल में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद की टीम इस आईपीएल में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। आज दिल्ली की टीम को इस मैच को जीतना काफी अहम है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की टीम अभी तक 6 मुकाबला खेली है और उसके पास सिर्फ 2 अंक हैं। इसलिए आज का अगर मुकाबला दिल्ली कैपिटल की टीम सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हार जाती है तो फिर दिल्ली कैपिटल के लिए अंतिम 4 में पहुंचने का रास्ता काफी कठिन हो जाएगा। आज का यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर आरंभ होगा, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं।